हे एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम समीर है एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं वेब सीरीज जो कि आपको क्लैट की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट शेप करने में या फिर मोल्ड करने में करेगी। तो आप लोगों ने देखा होगा एक चीज़ कि कभी भी अगर आप पढ़ाई कर रहे होते हो या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो कुछ नया कुछ सीखने को मिलता है ना। तो ऐसे ही हम लोग कभी भी अगर मूवीज़ की बात कर लें, बचपन में अगर आपने कोई भी एक मूवी देखी होगी तो शायद हो सकता है कि शायद आपने उससे कुछ एक आइडिया ले लिया होगा एक सर्टेन चीज़ को लेके, क्योंकि हम लोग होते हैं, हम लोग इमोशन से ज़्यादा ड्राइव करते हैं बिकॉज वी आर इंडियन एंड इमोशन से ही हमें सबसे ज्यादा क्या मिलती है, सक्सेस रेट मिलती है किसी चीज को समझने की। तो यस, मैंने कुछ एक टीवी सीरीज लाया हूं जिसमें आपको एक लॉयर की एक लाइफ के बारे में बताया जा सकता है। लॉयर कैसे सोचता है, कैसे सबूत को ढूंढता है, स्पाई कैसे करता है। यस, यू आर गोइंग टू गेट इट ऑल कवर्ड। अभी हम लोग इसमें अभी मूवीज की बात करेंगे, फिर हम लोग वेब सीरीज की बात करेंगे। बट यस, आज अभी मैं इस वीडियो में 5 मूवीज के बारे में बात करने वाला हूं जो कि आपको मस्ट देखनी चाहिए अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट है, और ये आपको कैसे हेल्प करेगा आओ जानते हैं। मेरा नाम समीर है, जैसा कि आप जानते हो। अगर आपने मुझे अभी तक नहीं जानते हो तो मैं आपको अन अकेडमी में इंग्लिश पढ़ाता हूँ और अगर कभी कभार करंट अफेयर्स भी पढ़ा देता हूँ। तो अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन डाउनलोड दी अन अकेडमी ऐप। आप आइए, वहाँ पे हमारी डेली रेगुलर क्लासेस होती हैं, चाहे वो प्लस की हो या फिर वो नॉर्मल रेगुलर स्पेशल क्लासेस हो। एंड यस, यू कैन डेफिनेटली अवेल इट। अगर आपको लग रहा होगा कि हाँ ये काफ़ी नए टर्म्स है प्लस स्पेशल, तो अन अकेडमी आपको कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज देता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होगे, एक यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है रेज अ हैंड फीचर का। तो बच्चे, रेज अ हैंड फीचर जस्ट लाइक आपके क्लासरूम में होता है ना कि आप हाथ उठाते हो, टीचर आपका अटेंशन ले लेता है एंड वो एकदम से आपसे पूछता है, बच्चे बताए तेरी डाउट क्या है। सिमिलरली हमारी अन अकेडमी में भी एक क्लासेस में आप लोग अब तो स्पेशल में भी अगर आप प्लस के यूजर होते हो, आप अपना रेज अ हैंड कर सकते हो एंड अपनी डाउट पूछ सकते हो। राइट, सो दीज आर द फीचर्स, लाइक यू नो, ये आपके सामने जो स्क्रीन में दिखे हुए, ये आपको अन अकेडमी आपकी एक एजुकेशन वाली जो आप समझ रहे हो, जैसे कि आप आगे जाके जो तैयारी कर रहे होते हो उसमें एक वैल्यू एड कर देता है। जैसे होता है ना कि बच्चे आप लोग घर में बैठे हुए अकेले तो पढ़ ही रहे होते हो, लेट्स से आप यूट्यूब पे पढ़ रहे होगे, मगर यूट्यूब पे एक इंटरेक्शन नहीं हो पाता टीचर्स के साथ। चलो कभी कभार लाइव सेशन में आपको पता है डिले रहता है, मगर अन अकेडमी की लाइव क्लासेस में आपको ये पता है ये डिले नहीं रहता आपके पास। आप टीचर से जाके अपना डाउट कर सकते हो, एक डाउट सॉल्विंग वाला सेशन भी होते रहते हैं, वहाँ पे लगातार चीज़ होती रहती है। खाली मैं ये लिमिटेड इसमें नहीं रहूँगा, आपको एक मेंटोर मिल जाते हैं, आपको आपके जैसे दोस्त मिल जाते हैं जिसमें आप अपनी क्लैट की जर्नी को नोट्स इजीली उनसे ले सकते हो, अपनी जर्नी को और कन्वीनियंट बना सकते हो। देन यस, आई थिंक दैट्स अ जर्नी यू कैन डेफिनेटली टेक फॉर द क्लैट। अब आप देख रहे होगे कि बैचेस, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाते होगे तो बैचेस तो चलते हैं ना। तो यस, दीज आर दी बैचेस जो अन अकेडमी में रेगुलर चलते रहते हैं, मगर ये लिमिटेड टू द प्लस यूजर्स, बेसिकली द पेड वन, विच आई विल बी टेलिंग यू कि अगर आप ये प्लस यूजर बनना चाहते हो तो आप कैसे बन सकते हो। देन यस, दिस इज इट। तो वॉरियर बैच क्या है, मतलब बेसिकली 2.0 इसमें नाम लिखा हुआ है, इसका 1.0 वर्जन भी निकल चुका है। तो कोई बात नहीं, अगर आप शुरू से शुरू करना चाहते हो, ये मत सोचो कि हाँ ये सीजन की तरह पुरानी स्टोरी को आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। नहीं, इट्स अ वेरी बिगिनर बैच, ये एक साल का बैच चलेगा, 25 अगस्त में स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको आयुषी मैम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगी, दिव्य सर आपको लीगल पढ़ाएंगे, ऊजा मैम आपको क्वांटिटेटिव पढ़ाएंगी, कृति मैम आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाएंगी एंड प्रशांत सर आपको जनरल अवेयरनेस कराएंगे। तो एक होता है ना संपूर्ण, पांचों के पांचों टॉपिक्स जो आपको क्लैट में तैयारी कराई जाती है, इस वाले बैच में पूरा का पूरा आपको बताया जाएगा। अब एक और बैच चल रहा है, अगर इसके अलावा भी अगर आप और भी बैचेस करना चाहते हो, जैसे 2023, अभी हम लोग किस बैच की बात कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे 2022 की बात। तो 2023 वाले भी तो सोच रहे होंगे, सर अभी तो हम क्लास 11th में हैं, हमें तो इस साल देना ही नहीं है, हमें तो अगले साल देना है। सो व्हाट यू, लाइक आपके लिए भी हम लोगों ने कवर कर लिया, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर क्लैट 2023 एज अ बैच। और यहाँ पे आपको कुशल सर इंग्लिश पढ़ाएंगे, रघुविंदर सर आपको लीगल रीजनिंग कराएंगे, नीतू मैम आपको क्वांटिटेटिव पढ़ाएंगी, और श्याम सर आपको लॉजिकल पढ़ाएंगे, और यश सर आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ाएंगे। ये 2 साल का है, जैसे आपको बताया आप 11th क्लास में हो या फिर आप ड्रॉप कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं ना बोर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करके एक साल ड्रॉप लेते हैं, देन आई थिंक दिस बैच इज एक्चुअली फॉर यू। अब इसके अलावा भी आप देखते हो कि काफ़ी एग्जाम्स होते हैं जो आपको एक्चुअली में हेल्प करते हैं कॉलेज में ले जाने के लिए। तो अन अकेडमी में ये दिन पे ये क्लासेस हो रही थी, अभी तो देखा जाए आज हमारी MHCET की हुई है, और अब कल जो है AP लॉसेट, और ये लॉसेट के बारे में आप एग्जाम्स के बारे में जान सकते हो। तो खाली क्लैट नहीं है, अगर आप जानना चाहते हो कि कौन कौन से एग्जाम से देखे आप किस किस कॉलेज में जा सकते हो, देन आई थिंक ये सीरीज आगे क्योंकि कंटिन्यू होती रहेंगी, तो आप अगर ये वाला मिस कर चुके हो तो आगे आपको और ये मिलता रहेगा। अब आपको मेरी स्पेशल क्लासेस, जैसे अगर आप मुझे देख रहे हो, अगर अभी तक आपने अगर ये वीडियो को कंटिन्यू रखा हुआ है, तो आई एम श्योर दैट आप मुझसे थोड़ा सा तो पढ़ना चाहोगे, मेरे से थोड़ा तो इंटरेक्ट करना चाहोगे। तो मेरी स्पेशल क्लासेस हर रोज़ होती हैं, एक टाइम होता है 12 नून को, जिसमें हम लोग आपको थोड़ी सी कम्युनिकेशन सिखाता हूँ। बच्चे होता है ना सॉफ्ट स्किल्स, आप लॉयर बनने वाले हो तो आप माई लॉर्ड करके जब बोलोगे आवाज़ में बिल्कुल एक इन्फ्लुएंस होना चाहिए, दमदार होनी चाहिए। देन यस, आई टीच यू सॉफ्ट स्किल्स एवरी लाइक यू नो 12 नून। आपको क्या करना होगा, आपको अनअकैडमी पर जाना होगा, मेरी प्रोफाइल को सर्च करना पड़ेगा, मेरा वैसे लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, यू कैन और एल्स लाइक यू नो यू कैन डेफिनेटली डाउनलोड दी अनअकैडमी ऐप फ्रॉम योर प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। आप जाइए, मुझे सर्च कर दीजिए, मेरा नाम होगा समीर अहमद, आपको बस समीर SAMEER अहमद डाल देना है, यू विल फाइंड मी लाइक यू नो अप देयर ऑन दी प्रोफाइल। एंड ये टॉपिक्स अगर आपको पढ़ने होंगे तो यू कैन डेफिनेटली कम, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी, यस आई एम एन एक्सपर्ट देयर, आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन इट। उसके अलावा अगर आप इंग्लिश से पढ़ना चाहते हो शुरू से शुरू, अभी हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं, अगले महीने से हम लोग RC पढ़ने वाले हैं। स्पेशल क्लासेस में अगर आपके कन्वीनियंस के हिसाब से मैं क्लासेस शेड्यूल करता रहता हूँ, मगर ये टाइम फिक्स है हमारी क्लासेस की, जैसे 3:30 PM
12 नून और रात के 10:30 बजे हमारा वोकैबलरी की क्लास होती है। जैसे अभी अगर देखा जाए तो 3:30 PM पे हम लोग वर्ड पार मीड ईजी सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। उस कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने आपको बताई, हम 12 नून को करते ही रहते हैं। 10:30 बजे हम लोग एक एक्चुअली बहुत ही स्पेशल क्विज करते हैं जिसमें मैं आपकी वोकैबलरी को टेस्ट करता हूँ। जितना मैंने आपको पढ़ा रखा है तो हम लोग अपनी वोकैबलरी रेगुलर बेसिस में चेक करते रहते हैं। और ये मंडे टू सैटरडे चलती रहती है क्लासेस, तो मंडे टू सैटरडे ये सारी की सारी क्लासेस चलती रहती है। संडे को ऑफ रहता है, यूजुअली संडे को हम लोग ऑफ रखते हैं, मगर मंडे टू सैटरडे अगर आप ये टाइम पे अगर आप कभी भी ऐप पे आओगे आपको मेरी क्लासेस हमेशा लाइव दिखेंगी। और इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास। अगर आप क्लास में एंटर करना चाहते हो ऑल यू हैव टू यूज इट, आप ऑथर लाइव करके कोड यूज कर सकते हो AUTHORLIV। अगर ये कोड आपको याद नहीं होता, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज द कोड सैम, एक सैम कोड, बस 3 वर्ड आपको डालने होते हैं, यू कैन डेफिनेटली एंटर दी स्पेशल क्लासेस। अगर कोड आपसे पूछा जाता है तो, अगर आप पुराने स्टूडेंट हो तो आपसे कोड नहीं पूछा जाएगा। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू ऑल, आप जाइए, आप बिल्कुल से अटेंड करिए। अब बात आ रही थी कि याद है मैंने बैचेस की आपसे बात कर रहा था, तो आप अगर बैच में एनरोल करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? आई वुड से यूज द कोड सैम, दैट विल गिव यू एन अपर हैंड। दैट मीन्स आपको 10% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जैसे अगर आप 24 मंथ, अगर आप 2023 के लिए तैयारी कर रहे हो तो आई थिंक 24 मंथ्स इज अ वेरी गुड लाइक यू नो पैकेज फॉर यू, जिसमें आपको क्या मिलेगा, ठीक है 28,000 है, मगर इसमें भी आपको क्या मिलेगा, 10% का ऑफ मिल जाएगा। दैट वुड भी 2,800 रुपीज ऑफ, एंड 2,800 रुपीज ऑफ आप समझ रहे हो कि इट वुड बी टर्निंग इनटू 25,000 और समथिंग। ऐसे ही सब में आपको बस 10% ऑफ सब में लगा देना। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन अपने अकॉर्डिंगली आप जो आपको लगता है कि इतने महीने की आपको प्रिपरेशन करनी आप ले लो, ये तो आइडियल टाइम। अगर आप 2023 वाले हो मैं कहूँगा 2 साल का ले लो, अगर आप ऑब्वियसली 2020 हो गए तो आई विल से 12 मंथ्स और 6 मंथ्स अकॉर्डिंग टू यू, यू कैन बाय एनी वन ऑफ इट। जस्ट मेक श्योर दैट यू यूज द कोड सैम फॉर द एडिशनल 10% डिस्काउंट एंड इट विल बी हेल्प यू आउट। आई वुड बी देयर टू मेंटर यू ऑल थ्रू आउट द जर्नी, प्लस मैं ही मेंटर होता हूँ, तो डोंट वरी आई विल हेल्प यू आउट थ्रू आउट द जर्नी कि आपको कैसे करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या किताबें होनी चाहिए। हमारे कोर्सेज लगातार चलते रहेंगे, मेरे जैसे कई एजुकेटर्स आपकी हमेशा हेल्प करने को तैयार रहेंगे। लाइव क्विज फीचर, ये हम लोग हमेशा बच्चों के साथ, मैं आपको हमेशा क्लास के बाद करवाता हूँ कि होता है ना कि जितना हम लोगों ने पढ़ाई की होती है जिस क्लास में उनको थ्योरेटिकल पढ़ा रहा होता है, थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराते हो, देन आफ्टर दी क्लास आई मेक श्योर दैट उनके लाइव क्विजेस कराया जाता है। इसको करना क्या होता है, जस्ट दैट लर्न, आप ऐप में जाओगे तो एक आती है कि आप सेल्फ असेसमेंट कैसे कर सकते हो, तो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गो टू द सेल्फ असेसमेंट एंड लाइक यू नो जस्ट अपने आपको लाइव क्विज में जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हो। और जो जो टॉपिक्स होते हैं डेफिनेटली टेक। दीज आर दी प्रोडक्ट्स ऑन दी अनअकैडमी विच वी वर टॉकिंग अबाउट लाइक नो सो लॉन्ग। अगर आपको हम लोग अभी टॉपिक्स अगर भटके आपको लग रहा है नहीं हम टॉपिक से नहीं भटके, अभी मैं आपको सीधा सीधा लाइक यू नो उस वीडियो पे लाने वाला हूँ जिसमें हम लोग की बात करने वाले मूवीज जो हमें देखनी चाहिए, है ना। देखा जाए मोस्टली बच्चों ने इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया होता है प्रिपरेशन की जर्नी में, या फिर वो मूवीज छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज दे फील दे आर डिस्ट्रैक्शन, मगर कुछ चीज़ों में आपको मोटिवेशन भी देती है मूवीज, और ये मूवीज जो मैं 5 लाया हूँ ये आपको एक्चुअली में मोटिवेट करेंगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि फ्यूचर में मैं और भी ऐसे वीडियोज लेकर आपके लिए आने वाला हूँ। तो आज हम लोग पहले मूवीज की बात करेंगे, सीरीज का मैं इसके बाद एक कंटिन्यूएशन में वीडियो आएगा, पर पहले लेट्स टॉक अबाउट मूवीज और सॉरी लेट्स टॉक अबाउट वेब सीरीज। तो बच्चे एक पहला सीरीज जो मुझे पता है तुम लोगों ने सबसे पहले गेस कर ही लिया होगा, सूट्स का। तुम्हें पता है कि एक ऐसा इंसान जिसने ड्रॉप आउट ले लिया था मगर उसके पास इतना दिमाग था कि उसने एक्चुअली में लॉ पढ़ ली थी, उसने उस सिस्टम को धोखा दिया था जो सिस्टम सबको मैनेज करता था। यस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीवन एल्स, दैट इज सूट्स। तो इसके बारे में जैसे छोटा सा अगर डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, तुम सूट्स लेके देखना चाहते हो कि लॉयर्स की लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या कॉम्पिटिशन आते हैं, देन आई थिंक दिस सीरीज इज ऑब्वियसली फॉर यू, क्योंकि तुम भी पहले से प्रिपेयर हो सकते हो कि फ्यूचर में अगर कभी भी तुम लॉयर जब बनोगे तो बिल्कुल से तुम्हारा कैसे सीन होने वाला है, दलीलें कैसे दी जाती हैं। आई वोंट प्रेफर यू टू सी जॉली LLB और समथिंग, बट डेफिनेटली आई वुड से सी द सूट्स। एंड सेकंड लॉ एंड ऑर्डर, इसके बारे में देखो बच्चे, मुझे ना मेरे दोस्त ने बहुत पहले मुझे इसको बता दिया था कि यार इफ यू वांट टू रियली नो अबाउट कि लॉ एंड ऑर्डर में कैसे ये स्पाई करके चीज़ों को जैसे होता है ना ढूंढा जाता है, बड़े मिस्टीरियस मर्डर्स को, मतलब कैसे होता है ना, इफ यू वांट टू बी अ क्रिमिनल लॉयर इन द फ्यूचर, ट्रस्ट मी ये कैसे सबूत को बचाते हैं, कैसे लोगों को सेव करते हैं, लॉयर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, पुलिस के साथ कैसे कनेक्शन करते हैं, देन आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड सीरीज फॉर यू। इसको मैंने 2 में यहाँ पे रखा हुआ है, मर्डर अगेन अ क्रिमिनल लॉयर, जो हमारे बीच में बर्डिंग क्रिमिनल लॉयर्स है बच्चे, इसको बिल्कुल से देखना क्योंकि ये काफ़ी लाइक यू नो इतनी, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा तुम्हें समझने में, पहले 3 एपिसोड जब तुम देखोगे इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा अंडरस्टैंड करने में, बट एज सून एज यू स्टार्ट रिलेटिंग विद द करेक्टर्स, बिलीव मी देर इज नो गोइंग बैक टू दिस सीरीज। आप लोग इसको देखोगे तो थ्रू आउट दी एंड देखोगे, बहुत 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 लाइक यू नो इंटरेस्टिंग है कि कैसे कैसे लाइक एक लॉयर को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, कैसे दिमाग खेला जा सकता है, देन दिस इज अ कोट फॉर यू। ऑब्वियसली आई वुड से सी द सीरीज। बॉस्टन लीगल अनदर अ कॉमन सीरीज, इसको देखा जाए मोस्टली बच्चों ने शायद पहले से देख भी रखी होगी, अगर नहीं देखी है तो बच्चे प्लीज देख लो, इट्स अ 90s का हिट, बहुत प्यारा है कि पुराने जमाने में अगर आप हिस्टोरियन को जानना चाहते हो कि कैसे एक मतलब हमारे पुराने से हम लोग कैसे डेवलप किए, कैसे मोल्ड किए लीगल को आज के टाइम पे, जैसे अगर हम लोग जैसे देखा जाए कि क्या पहले भी ऐसा था आज भी ऐसा है, उस टाइम के क्रिमिनल्स और आज के टाइम के क्राइम्स में क्या डिफरेंस है, यू कैन डेफिनेटली टेक अ नोट एंड इनसे सीख सकते हो। तुम्हें पता है कि क्लासिक सबसे बेस्ट होता है, यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम द क्लासिक्स, देन आई वुड सजेस्ट गो फॉर बॉस्टन लीगल। बट एक अगर आप में से
वैसे कोई कोरियन फैन है तो डोंट वरी, मैंने आपको निराश नहीं छोड़ा है, वी हैव समथिंग लाइक यू नो फ्रॉम द बैक दैट एज वेल। अभी इसकी एक अपडेट बताया जाए, अभी तक ये इंग्लिश और हिंदी में नहीं था, मगर इसका एक डब्ड वर्जन हिंदी में अब लॉन्च हो रहा है नेटफ्लिक्स में, शायद हो भी चुका होगा, मैंने अभी चेक नहीं किया है, बट ये एक न्यूज़ थी कि ये आ रहा है, शायद आ चुका है, एक बार चेक कर लेना। ये काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तुम्हें पता है इसमें दो करेक्टर्स के बारे में, जब मैंने इसको देखी थी सीरीज़ को तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था कि एक करेक्टर जैसे रिलेटेबल, काफ़ी रिलेटेबल रियल लाइफ सिचुएशन मुझे लग रही थी कि एक करेक्टर ओवर इंटेलिजेंट है, एक करेक्टर बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा है, एक प्रोफेसर से सब नफरत करते हैं, एक प्रोफेसर सबसे प्यार करते हैं। तो मैं ज़्यादा एक क्लाइमैक्स को एकदम से स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज प्लीज़ लुक एट इट कि कैसे एक स्ट्रगल होता है एक लॉ स्टूडेंट की लाइफ का, अगर तुम देखना चाहते हो तो इस कॉलेज में, इसमें जैसे दिखाया गया कॉलेज में लॉ स्ट्रगल, प्लीज़ गो फॉर इट। इसके अलावा आई वुड से लाइक यू नो आई वुड सजेस्ट एनी वन एनी एल्स थिंग्स एल्स कि तुम्हें देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। सो डेफिनेटली आई वुड से ऑन माई लिस्ट दीज वर दी वीडियोज, लाइक यू नो दिस वर दी फाइव सीरीज विच यू शुड एक्चुअली लॉ वॉच, एंड आई एम होपिंग दैट यू मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताओगे कि तुम्हें ये चीज़ें मतलब अच्छी लगी या नहीं लगी। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ मेरे को जरूर फॉलो करना। आई विल सी यू इन दी क्लासेस शॉर्टली। बाय।